तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे स्काई पॉप के वर्ल्ड में जहाँ पे हर एक आइलैंड लकी ब्लॉक से बने हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इन लकी ब्लॉक से हमें डर्ट से लेकर डायमंड तक कुछ भी मिल सकता है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल है हमारे लिए बहुत ही ऑसम सा घर बनाना, अपना दूसरा गोल एक बहुत ही मैसिव सा विलेज बनाना, एंड फाइनली अपने लिए बहुत ही ऑसम सा नेदरराइट आर्मर बना के एंडर ड्रैगन डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन लकी ब्लॉक स्काई ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे वन पर मैं अपने इस आइलैंड पे और अपना पूरा आइलैंड लकी ब्लॉक से बना हुआ था और अपने आइलैंड के आसपास बहुत सारे और भी आइलैंड थे जो कि सारे के सारे लकी ब्लॉक से बने हुए थे। तो भाई पूरे एरिया को चेक करने के बाद हम लोग चले गए अपने लकी ब्लॉक्स को माइन करने के लिए। एंड यार पहले लकी ब्लॉक को माइन करने पे हमें काफी सारी चीजें मिल गई थी जिसको हमने जल्द से चेक किया। और भाई यहाँ पे बहुत खतरनाक शवल था, हमें नेदरराइट का शवल मिल गया था एंड उसी के साथ ही साथ हमें यहाँ पे बो एंड एरो भी मिल गया था। तो भाई इतनी जल्दी अमीर होने के बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत ट्री काटने के लिए। एंड इनफ वुड होने के बाद हमने थोड़े बहुत प्लैंक्स बना लिए एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। फिर इसके बाद हम लोग दोबारा से चले गए थोड़े बहुत लकी ब्लॉक्स माइन करने के लिए। एंड भाई इस बार तो हम लोग को बहुत ही खतरनाक सामान मिल गया, मतलब हमें एक डायमंड का पिकैक्स मिला और भाई उसमें सिल्टच का एन्चेंटमेंट लगा हुआ था। और इसी के साथ अपने पास पहले ही दिन नेदरराइट का शवल और एक डायमंड का एन्चेंटेड पिकैक्स था। और भाई जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले लालची है तो हमने और भी बहुत सारे लकी ब्लॉक्स माइन कर ली एंड भाई इससे भी हमें काफी मस्त मस्त सामान मिल गया था। सो जैसे कि रात हो रही थी तो पहले तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा दी जैसे कि कोई भी मॉब ना स्पॉन हो पाए। देन हमने यहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट लगा लिए और अपने सारे फालतू सामान हमने उस चेस्ट में रख दिए। फिर यार अपने पास यहाँ पे थोड़ी बहुत सैपलिंग भी आ चुकी थी तो हमने सारे सैपलिंग को प्लांट कर दिया जैसे कि अपने को वुड मिल सके। एंड यार इसी बीच भाई को एक क्रीपर का हेड मिल गया था एंड पहली बार जब ये मेरे पास आया तो मुझे लगा सच में एक क्रीपर आ चुका है। तो यार मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन इसके बाद मैं और भाई दोनों चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत लकी ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए। हाँ मतलब क्या कर सकते हैं, अपने पास कुछ और काम ही नहीं है। फिर यार काफी सारे लकी ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद हमें थोड़े बहुत यहाँ पे हेबल्स मिल चुके थे जिससे हमने यहाँ पे ब्रेड बना ली। एंड देन भाई ने एक चीज डिस्कवर की कि अगर हम लोग ग्रास को यहाँ पे शवल करते हैं एंड उसके बाद इसको हम लोग माइन करते हैं तो हमें लकी ब्लॉक भी मिल सकता है। तो यार अब जैसे कि हम लोग ये बात जानते थे तो हमने यहाँ पे अपने पूरे आइलैंड को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अपना आइलैंड यहाँ पे हो चुका था क्लियर और भाई अब ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। और भाई हमें बीच में थोड़े बहुत स्टोन भी मिले थे जिसको हमने माइन कर लिया एंड भाई उससे हम लोग को बहुत ही ऑसम सा टूल्स एंड आर्मर मिल गया था। एंड हमें और भी बहुत सारे सामान मिले थे जो कि हमने इस चेस्ट में रख दिया। और भाई इसके साथ ही साथ हमें दो बेड भी मिल चुके थे तो हमने उस बेड को प्लेस कर दिया और इसका मतलब है कि अब हमें रात को जागना नहीं पड़ेगा। तो अपने आइलैंड पे तो हमने मोस्ट ऑफ द वर्क कर दिया था, लेकिन अब हम लोग को जाना था दूसरा आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार हमने थोड़े बहुत लकी ब्लॉक्स को कलेक्ट किया और चले गए अपने एडवेंचर पे। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हमें फाइनली एक और आइलैंड मिल चुका था जो कि था स्प्रूस का आइलैंड एंड यहाँ पे एक शीप भी था। और जस्ट कि स्प्रूस अपना फेवरेट वुड है तो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्प्रूस के वुड एंड सैपलिंग कलेक्ट कर लिए और हमने उस शीप को मार दिया क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो यार इसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए एंड अपने पास काफी सारे वुड थे जिसका हमने जल्द से जल्दी स्लैब्स बना लिया एंड देन फाइनली हमने अपने आइलैंड को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। तो यार अपना आइलैंड यहाँ पे एक्सपैंड होकर हो चुका था रेडी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड बड़ा दिख रहा था एंड हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्री फार्म भी बनाया था। एंड यार भाई जब यहाँ पे लकी ब्लॉक्स माइन कर रहा था तो उसको 24 डायमंड के ब्लॉक्स मिल चुके थे और यार इतने डायमंड्स देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा लालच में आ गए थे एंड बहुत सारे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स बना लिए। फिर यार मैंने भाई को भी डायमंड के आर्मर एंड टूल्स दे दिए एंड अब अपने पास पूरा डायमंड का आर्मर है, नेदरराइट का टूल्स है और भाई अपने पास एक ऑसम सा बो भी है। मतलब यार लिटरली अभी तो 10 दिन में नहीं हुए और अपने पास सारे ऑसम टूल्स एंड आर्मर है। देन यार इतना पावरफुल होने के बाद हम लोग चले गए बहुत सारे स्प्रूस माइन करने के लिए। एंड एक बार फिर से इनफ वुड होने के बाद हमने सारे वुड को स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया और अब टाइम था एक्सप्लोरेशन में जाने का। तो भाई हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट आइलैंड को ढूंढने के लिए एंड काफी देर भटकने के बाद हमें एक बहुत ही ऑसम सा आइलैंड मिल गया। सो ये एक विलेजर का आइलैंड था जिसमें एक विलेजर तो था ही बट उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे शुगर केन एंड फूड भी मिल चुका था और इसका मतलब है कि अब हम लोग फार्मिंग भी कर सकते हैं, अपना इन्फिनाइट फूड सोर्स होने वाला है। और एक विलेजर उस विलेज में बहुत ही आराम से सो रहा था बट उसको हमने जल्द से उठा दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, अब विलेजर है तो हम लोग के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो हमने उस विलेजर को उसके घर में बंद कर दिया था, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें एक बहुत ही ऑसम सा चीज मिल गया। मतलब यार लिटरली हमें एक पिकैक्स मिल गया जिसमें शार्पनेस, एफिशिएंसी, अनब्रेकिंग सब 10 वाला लगा हुआ था। एंड भाई आप देख सकते हो इसकी स्पीड, मतलब कितना ज्यादा ओवर पावर्ड पिकैक्स है ये।
तो एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी पिकैक्स पाने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन ये टाइम खुशी मनाने का नहीं था, अभी टाइम था फार्म बनाने का। तो पहले तो हमने एक छोटा सा व्हीट एंड पोटैटो फार्म बना लिया, एंड हमें थोड़े बहुत यहाँ पे शुगर केन की भी जरूरत थी, तो हमने एक छोटा सा शुगर केन भी बना लिया। एंड भाई अब हमें यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड मिलता रहेगा, एंड शुगर केन को हम लोग विलेजर्स से ट्रेड कर सकते हैं। तो यार इसी के साथ अपना फार्म बन गया यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि अभी तो बहुत ज्यादा छोटा है, बट फ्यूचर में हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यार अब टाइम था विलेजर को अपना कैदी बनाने का, मतलब अपने विलेजर को घर लाने का। तो यार जल्द से हमने विलेजर को बोर्ड में बैठाया एंड चले अपने घर वापस। देन यार जब हम लोग विलेजर को अपने घर वापस ला रहे थे, तो हमें एक बहुत ही ऑसम सा आइलैंड मिला जहाँ पे बहुत सारे शीप्स एंड काउस थे। तो यार बोट के साथ हम लोग चले गए उस आइलैंड पे एंड सारे शीप्स एंड काउस को अपने घर को शिफ्ट कर दिया। एंड यार अब फाइनली अपने पास विलेजर्स एंड एनिमल्स दोनों थे, बट अपना आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो जल्द से हमने अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली अपना यहाँ पे फार्म बन गया हो चुका था रेडी, जहाँ पे शीप्स एंड काउस थे, एंड अपने पास यहाँ पे एक पिग भी था, पर भूख लगा था तो उसको हमने मार दिया। और भाई अपने पास यहाँ पे एक विलेजर भी था। तो यार अपना प्रोग्रेस तो यहाँ पे बहुत ही मस्त चल रहा था, बट अपने पास यहाँ पे एक भी पेट नहीं था, तो जल्दी से मैंने तीनों पैरट को टेम कर लिया। एंड यार अब अपने पास एक नहीं तीन तीन पेट है। तो यार इसके बाद अपना फार्म बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, तो जल्दी से हमने यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन तोड़ लिए, उसको रीप्लांट कर दिया एंड काफी सारे वीट हार्वेस्ट कर लिए। देन यार हमने अपने काउस को भी फीड करवा दिया, जिसके हम लोग को बहुत सारे लेदर मिल सके। तो भाई अब हम लोग को चाहिए था वुड, क्योंकि हम लोग को अपने मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था, तो जल्दी से हम लोग चल गए बहुत सारे स्प्रूस माइन करने के लिए। तो यार अपने पास यहाँ पे बहुत सारे सामान तो थे, बट रखने के लिए जगह ही नहीं था, तो जल्दी से हमने एक छोटा सा स्टोरेज रूम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली अपना स्टोरेज रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था, एंड अभी के लिए अपने पास इनफ है। देन यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने काउस को फीड करवाने के लिए, एंड फिर हमने उनको ही मार दिया। और भाई जब हम लोग यहाँ पे काउस को मार रहे थे, तो हमें एक चीज नोटिस हुई कि भाई यहाँ पे काउस लेदर ड्रॉप नहीं करते, ये बहुत ही ज्यादा ओपी आर्मर एंड टूल्स ड्रॉप करते हैं। तो यार सारे काउस को मारने के बाद हम लोग के पास बहुत ही ओपी ओपी आर्मर एंड टूल्स एंड गोल्डन इंजेंटेड एप्पल और टोटम भी आ चुके थे। तो आप देख सकते हो, मतलब यार लिटरली ऐसे ऐसे इंजेंट लगी हुई थी बो पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और भाई अमीरी देख रहे हो, मतलब गोल्डन इंजेंटेड एप्पल एज अ फूड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यार इतना अमीर होने के बाद भी हम लोग के पास डायमंड का ही आर्मर था, तो जल्दी से हमने एक स्मिथिंग टेबल बनाया एंड अपने पास जितने भी नेदरराइट स्क्रैप थे उसको नेदरराइट इनगट्स में कन्वर्ट किया एंड पूरे आर्मर को नेदरराइट का कर लिया। एंड इसी के साथ अपने को यहाँ पे एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी कवर में डेब्रिस का। और भाई अब आप देख सकते हो अपने पास पूरे टूल्स एंड आर्मर्स दोनों ही नेदरराइट के हैं। देन यार भाई को बहुत दूर में एक काफी खतरनाक सा आइलैंड दिख रहा था, तो जल्दी से हम लोग चेक करने चले गए कि क्या ये वही आइलैंड है जो कि हम लोग सोच रहे थे। एंड यार ये लिटरली एक विलेज था, मतलब भाई हम लोग सोच ही रहे थे कि अपना दूसरा विलेजर हम लोग कहाँ से लाए, बट यार हम लोग को यहाँ पे स्वयं विलेज का दर्शन हो गया। और इसके चेस्ट में कुछ खास नहीं थी, मतलब वही फालतू के सामान थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। और भाई यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स हैं, तो विलेजर की अभी तो हम लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि हम लोग को विलेजर की जरूरत थी, तो हमने इन विलेजर्स को कैप्चर कर लिया। बट यार आप टेंशन मत करो, इनके लिए हम लोग एक लिटरली बहुत बड़ा विलेज बना के देंगे। बट यार उससे पहले थोड़ी बहुत हम लोग को एमरल्ड चाहिए थी, तो जल्दी से मैंने एक फ्लेचिंग टेबल बनाया एंड चले गए इसके साथ बहुत सारे ट्रेडिंग करने के लिए। सो पहले तो हमने सारे वुड को स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया एंड काफी सारी ट्रेडिंग कर ली इस विलेजर के साथ। एंड यार फाइनली काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद अपने पास बस 16 एमरल्ड हुए थे। पर यार लकी ब्लॉक्स माइन करते करते हमें काफी सारे यहाँ पे एमरल्ड्स के ब्लॉक मिल चुके थे, जिसको हमने जल्दी से एमरल्ड्स में कन्वर्ट कर दिया और काफी सारे हमने बुकशेल्फ्स बना लिए। देन यार फाइनली हमने एक एंचैंटमेंट टेबल भी बना लिया, और अब अपने पास यहाँ पे बुकशेल्फ्स भी है एंड एंचैंटमेंट टेबल भी है। बट यार अभी अपने पास लेवल्स नहीं है, तो अभी तो हम लोग एंचैंट कर नहीं सकते। तो भी हम लोग चले गए अपने काउस को मारने के लिए, क्योंकि इनको मारने से बहुत ही औसम सा सामान मिलता है और हम लोग बहुत बड़े लालची है। एंड अपने काउस को मारने पे हम लोग को बहुत ही ऑसम सामान मिल गया था, मतलब लिटरली पैंट्स हम लोग को बहुत ही ज्यादा ऑसम मिल गया था एंड अपने पास एक इलाइट्रा भी था। एंड भाई अब हम लोग को फाइनली प्लेटफॉर्म बना के जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली उड़ के अपने आइलैंड्स पे जा सकते हैं। तो यार मैं चला गया ऐसे आइलैंड्स को चेक करने के लिए। एंड भाई मुझे एक आइलैंड मिला जो कि पूरा का पूरा बैम्बू का था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बैम्बूस थे, तो जल्दी से मैंने काफी सारे बैम्बूस कलेक्ट कर लिए। एंड यार बैम्बू हमें इसलिए जरूरत थी क्योंकि बैम्बू को एज अ फ्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं। देन यार इसके बाद हम लोग आके अपने घर वापस एंड काफी सारे स्प्रूस वुड कलेक्ट कर लिए।
एंड भाई बहुत देर तक स्प्रूस कलेक्ट करने के बाद हम लोग के पास काफी सारे वुड हो चुके थे, तो जल्दी से हमने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। यार फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऑसम लग रहा है। मतलब लिटरली यार अगर आपको सामने से दिखाओ तो अपना घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एंड पीछे से भी दिखाओ तो ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है दिखने में। एंड अंदर में तो गार्ड्स जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, ये मत पूछना किससे, बट हाँ करते हैं। एंड बहुत सारे अंदर में चेस्ट रखे हुए हैं। एंड अगर आप ऊपर जाओगे तो अपने पास एक छोटा सा बैल्कनी है, एंड अगर आप अंदर जाओगे तो अपने पास ये बेडरूम है। तो भाई हमें तो ये घर बहुत ही ज्यादा ऑसम लगा, आपको कैसा लगा? एंटरटेनमेंट में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। तो भाई अपना घर तो बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, बट अपने को यहाँ पे नेदर देखना था कि अपना नेदर कैसा है, तो जल्दी से हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया। एंड नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के बाद अब टाइम था नेदर में जाने का। एंड भाई जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा खतरनाक आर्मर होने की वजह से हमें नेदर जाने में डर नहीं लग रहा था। तो यार हम लोग चले गए अपने नेदर, और भाई अपना नेदर बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। मतलब ये भी लकी ब्लॉक से बना हुआ था और अपने नेदर में भी काफी सारे स्काई ब्लॉक्स थे। मतलब यार आइलैंड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझा करो। और हमें यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस का भी आइलैंड दिख रहा था जहाँ पे बहुत सारे ब्लेजेस थे, बट अभी हम लोग को ब्लेज रॉड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने पास सारी चीजें ऑलरेडी है। और इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में नेदर अपने लिए यूजलेस है। तो भाई इसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए, एंड अब अपने को चाहिए था एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। एंड भाई एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए अपने पास सब कुछ था, तो हमने जल्दी से अपना इलाइट्रा को पहना और चले गए अपने आइलैंड को ढूंढने के लिए जहाँ पे अपना स्ट्रांग होल्ड है। एंड फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद हमें अपना स्ट्रांग होल्ड वाला आइलैंड दिख गया, एंड बस इसको एक्टिवेट करना था। तो यार जैसे कि अपने पास बहुत ही ऑसम सा आर्मर था, तो हम लोग को आर्मर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, एंड टूल्स तो अपने पास काफी ज्यादा मस्त है। तो हमने जल्दी से अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया, एंड बिना कोई डरे हुए हम लोग चले गए अपने एंड में एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड भाई एंड में पहुंचने के बाद हम लोग को बहुत बड़ा झटका लगा, अपना पूरा एंड भी आइलैंड से बना हुआ है। और भाई इसका मतलब ये था कि हम लोग को एंडर ड्रैगन को डिफीट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन फाइनली बहुत देर के बाद हमने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लिया। और हाँ हमें कोई भी लेवल्स नहीं मिले क्योंकि सारे लेवल्स तो वॉइड में गिर गए थे, बट यार हमने एंडर ड्रैगन को तो डिफीट कर लिया था। तो यार फाइनली इसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए, और अपने को एंडर एग भी मिल चुका था। क्या मतलब कि हमें एंडर एग पहले दिन मिल गया था जब हम लोग लकी ब्लॉक्स को माइन कर रहे थे। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए बहुत सारे शुगर केन को हार्वेस्ट करने के लिए, एंड इसी के साथ हमने काफी सारे वीट भी हार्वेस्ट कर लिए, एंड देन हमने अपने प्यारे प्यारे एनिमल्स को भी फीड करवा दिया। हाँ उन्हीं एनिमल्स को जिसको हम लोग कभी भी मार सकते हैं। तो यार काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, फाइनली टाइम था अपने प्यारे से विलेजर्स के लिए एक बहुत ही मैसिव सा विलेज बनाने का। बट यार उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अपने पास यहाँ पे लकी ब्लॉक्स ही नहीं थे, तो हम लोग चले गए दूसरे आइलैंड पे काफी सारे लकी ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए। और भाई हमें लकी ब्लॉक्स एक ही तरीके से मिल सकते हैं, दूसरे लकी ब्लॉक्स को माइन करने पे। तो हमने काफी देर तक यही किया, बहुत सारे लकी ब्लॉक्स को माइन किया, एंड फाइनली हमें काफी सारे लकी ब्लॉक्स मिल चुके थे। एंड यार इतने सारे लकी ब्लॉक्स मिलने के बाद फाइनली हमने अपने विलेजर के प्लेटफॉर्म को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यार अपना प्लेटफॉर्म बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऑसम लग रहा था। एंड इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा विलेज आएगा, बट उसके लिए हमने यहाँ पे वुड ही नहीं कलेक्ट किया था, तो चले गए हम लोग काफी सारे वुड कलेक्ट करने के लिए। तो यार फाइनली बहुत देर तक ग्राइंड करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे काफी सारे स्प्रूस एंड ओक वुड दोनों ही आ चुके थे। एंड यार अब जैसे अपने पास सारे मटेरियल्स थे, तो जल्दी से हमने अपने विलेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली अपना विलेज बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऑसम लग रहा है। मतलब यार लिटरली एक एक्चुअल विलेज जैसा लग रहा है, जिसमें काफी सारे घर है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज हैं, बहुत सारे हे बेल्स भी है। एंड सारे घर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बेड्स लगा दिए, वर्किंग स्टेशन लगा दिए, एंड बहुत सारे लैंटर्न्स भी लगा दिए हैं। एंड यार जब तक हम लोग ये विलेज बना रहे थे, तब तक हमने विलेजर को फीड करवा दिया था, और अब काफी सारे अपने पास विलेजर्स हैं।
तो भाई हमें तो ये विलेज लिटरली बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा एंड 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। देन यार अब फाइनली टाइम था अपना लास्ट काम करने का, अपना एमरल्ड बीकन बनाने का। तो जल्दी से हमने बहुत सारे एमरल्ड के ब्लॉक कलेक्ट किए, अपने पास काफी सारे ऑलरेडी बीकन थे उसको भी कलेक्ट किया एंड जल्दी से एक एमरल्ड बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। देन यार फाइनली हमने अपने बीकन को प्लेस कर दिया एंड इसी के साथ अपना बीकन भी यहाँ पे बन के हो चुका था कम्प्लीट। देन हमने बीकन में पावर भी ले लिया जो कि था स्पीड का एंड रिजनरेशन का, और अब भाई हम लोग को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता है। तो भाई इसी के साथ अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना, और ये सब भी आप वीडियोस देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा